हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समास और समास के भेद से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द और अलग-अलग समास में क्या अंतर है, उनके भेद में क्या अंतर है, उसे कैसे पहचाने, ये हम समझेंगे। इससे पहले समास का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम समास और समास के भेद में अंतर कैसे करें, क्योंकि एक समास में अलग अलग एक जो वर्ड होता है उसमें अलग अलग समास हो सकते हैं, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे या फिर किस तरह से हम उसे जान सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने समास की परिभाषा और समास से रिलेटेड जितने भी भेद हैं उनके शब्द और उनके परिभाषाओं को जाना था, और आज भी हम उससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द करेंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसीलिए एंड तक जरूर देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपको हिंदी व्याकरण के और भी कोई टॉपिक में समस्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या जो भी आपको चाहिए, समय काल चाहिए या फिर जो भी है, उसके लिए मैं वीडियो आपके लिए जरूर से जरूर लेकर आऊँगा। आप अगर मुझ आप स्पेशल वो वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी अच्छे तरीके से हो सके वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जिससे हम समास को पहचान सकें। तो शुरुआत करते हैं समास संबंधी कुछ विशेष बातों से। एक समस्त पद में एक से अधिक प्रकार के समास हो सकते हैं, यह विग्रह करने पर ही स्पष्ट होता है। जिस समास के अनुसार विग्रह होगा उसी समास उस पद में माना जाएगा। यहाँ पे है कि समास एक से अधिक प्रकार का हो सकता है, ये हम बहुत बार देखते हैं। पिछले बार भी हमने दो समास में अंतर करके आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, इसमें भी हम अलग अलग समास जो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, जो मिक्स कर जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उसे हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि उसे हम विग्रह करने पर ही समझ पाएंगे कि वह कौन सा समास है, बिना विग्रह किए वो समझ पाना मुश्किल है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है पीताम्बर, पीताम्बर में अगर हम विग्रह करते हैं पित है जो अंबर, तो ये कर्मधारय समास है। वहीं अगर हम करते हैं पित है अंबर जिसका, तो ये बहुव्रीहि समास है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे करें बिना डर का, निडर का, निडर का अगर हम करें बिना डर का, तो ये अव्यय भाव समास है। और नहीं है डर जिसे, तो बहुव्रीहि समास है। और अगर हम करें ना डर, ना डर, निडर को अगर हम तोड़े ना डर, तो वो हो जाएगा नन्न समास, जो कि सातवां है और आपको बहुत कम किताबों में वो भी वो देखने को मिलता है। उस तरह से हम सुरूप, चंद्रमुख, बुद्धिबल इन सब का भी कर सकते हैं। इसमें अगला टॉपिक है समासों का विग्रह करते समय यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यथासंभव समास में आए हुए पदों के अनुसार ही विग्रह हो। जैसे अगर पीताम्बर को ही हम करते हैं तो पित्त और अम्बर, इसको रिलेट करके ही हम वर्ड्स बनाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि संस्कृत में, संस्कृत के जो समास होते हैं, खास करके जैसा कि अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और उपपद समास, इसका विग्रह हिंदी के अनुसार करने में कठिनाई होती है। जैसा उनका पद है उसके अनुसार करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो इसमें हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुंभकार, तो इसे हम कुंभ और कार से ये मिलके बना हुआ है, तो अगर कुंभ है जिसका कार, या कुंभकार करने वाला, कुंभ का कार करने वाला, तो इससे मतलब समझ में नहीं आ रहा। और विग्रह करने का अर्थ यही होता है कि हम उसका अर्थ, उसका मतलब समझ सकें। तो अगर हम इसे नहीं हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके इसका विग्रह करेंगे तो वो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे बनाने वाला, कार का जो अलग फॉर्म होता है, कार का जो असली अर्थ होता है, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। उसी तरह से अगर हम खग को देखें तो खग में सिर्फ दो डिजिट ही है, तो अगर हम इसे तोड़ेंगे तो किस तरह से इसका विग्रह किया जा सकता है, तो वो बहुत ही परेशानी वाली बात हो जाती है। इसीलिए हम हिंदी के दूसरे शब्दों का प्रयोग करके जो इससे मेल जोल खाते हैं और हमें अच्छे से समझ में आ सकता है। तो इस तरह से आमरण, जिसे हम मरण तक करते हैं, व्यर्थ यानी कि बिना अर्थ का, और विमल यानी कि मल से रहित, इस प्रकार के शब्दों को हम हिंदी के अन्य शब्दों से मिलाकर भी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके लिए अगला टॉपिक है कि अव्ययी भाव समास। यहाँ तक अभी तक हमने यही पढ़ा था कि समास में दो पद होते हैं, दो या दो से अधिक पद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर में आपने यही देखा होगा कि हमने दो पद का ही इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन तत्पुरुष समास में और द्वंद्व समास में दो
या तीन या फिर उससे भी अधिक पद रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है नोन तेल लकड़ी, नोन तेल लकड़ी, या फिर एक और है इसमें तो आपने देखा कि तीन वर्ड हैं लेकिन आम जामुन कटहल कचनार, आम जामुन कटहल कचनार, इसमें चार वर्ड्स हैं। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो आप देख सक रहे हैं कि दो पद के अलावा भी ज़्यादा पद होते हैं, और ये ज़्यादातर किसमें होते हैं, ज़्यादातर ये आपको द्वंद्व समास में मिलेगा और कुछ एक तत्पुरुष समास में भी मिल सकता है। चलिए देखते हैं आगे, हम बाकी आपको इस प्रकार के शब्द और भी जब हम वीडियो के एंड में सभी शब्दों को करेंगे, अलग अलग समास के अलग अलग शब्द होते हैं, उन शब्द शब्दों को हमने एक जगह मिक्स करा है, तो वो आप ना देखना भूलें। लास्ट में वो आपको हम एक लाइन से, शुरू में ये जानना जरूरी है, इसके बाद आपको वही मिलेगा। इसके बाद हम इसका चौथा टॉपिक देखते हैं। यदि समस्त पद में, यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे चक्रपाणि दर्शनार्थ है, चक्रपाणि दर्शनार्थ, तो यहाँ पे चक्रपाणि और दर्शनार्थ अलग अलग यहाँ पे किया गया। जैसे कि चक्रपाणि जो है ये बहुव्रीहि समास है और दर्शनार्थ जो है ये अव्यय भाव समास है, तो इसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे चक्र है पानी जिसके और दर्शन के अर्थ, या फिर चक्रपाणि के दर्शनार्थ, चक्रपाणि दर्शनार्थ, ये टोटल अव्यय भाव समास बन जाता है। तो यही आपको ध्यान देना है कि हम दोनों ही तरीके से इसका विग्रह कर सकते हैं। अब हम देखते हैं संधि और समास में अंतर। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि और समास में क्या है कि समास में दो पदों का योग होता है किंतु संधि में दो वर्णों का योग होता है। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो वर्ण को जब हम अलग करते हैं तो वो संधि या संधि विच्छेद कहलाता है, और समास में दो पदों का योग होता है और दो पदों का ही विग्रह होता है। और हम देखें तो समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास में पदों के प्रत्यय, जब को, के, से, में, पर, हे, इन सबको हम समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन संधि के लिए दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है। लेकिन जबकि समास को इस मेल या विकार से कोई मतलब नहीं होता है, वो अर्थ निकाला जाता है हिंदी के अलग अलग भावों से। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहा जाता है जबकि समास के समास को इसका विग्रह कहा जाता है। जैसे पीताम्बर में दो पद हैं, पित्त और अम्बर, लेकिन संधि विच्छेद क्या होगा, पित्त जोड़ अम्बर, यहाँ पे इस तरह से ये होता है। और जबकि समास विग्रह क्या है, यहाँ पे जब हम इसे, ये संधि विच्छेद था कि इसे हम इस तरह से तोड़ेंगे पित्त जोड़ अम्बर, लेकिन संधि विच्छेद क्या करेंगे हम, यहाँ पे पित्त है जो अम्बर या पित्त है जिसका अम्बर। यहाँ ध्यान देने बात है कि हिंदी में संधि में केवल तत्सम शब्दों में होती है, क्योंकि हिंदी में संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, जबकि समास संस्कृत, तत्सम, हिंदी, उर्दू, हर प्रकार के सब पदों में हो जाती है। यही कारण है कि हिंदी पदों के समास में संधि आवश्यक नहीं है, हिंदी पदों के समास में संधि आवश्यक नहीं है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है। हमने संधि विच्छेद के लिए भी आपका एक वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हुआ है, उसके अगर और भी पार्ट आपको चाहिए तो आप जरूर हमारे कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लाएंगे ही वो उसका और भी पार्ट, क्योंकि वो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, तो ये आपको जरूर से जरूर समझना है। अब हम देखते हैं कि समास के अलग अलग भेदों में अंतर, जो कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है, इसमें अंतर हम देखते हैं। तो इन दोनों समास में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि विग्रह पर के साथ ही हम अंतर समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, एक पद विशेषण या उपमान, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, तो नील जो है विशेषण है तथा गगन जो है वो विशेष है, यानी कि नील जो है वो नील है जो विशेषता बता रहा है, और गगन की विशेषता बता रहा है नील। इसी तरह चरण कमल, चरण कमल में क्या है, चरण है उपमेय और कमल है उसका उपमान, यानी कि चरण जो है वो कमल के समान है। तो ये दोनों क्या है, कर्मधारय समास है। लेकिन बहुव्रीहि समास के समस्त पद ही संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, यानी कि इसे जब हम तोड़ेंगे तो वो समस्त पद संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण चक्र को धारण करने वाला, ये सभी का सभी जो है एक तीसरे वर्ड की ओर इंडिकेशन करता है, और वो तीसरा वर्ड के लिए ये विशेषण का कार्य करता है। वही यहाँ पे जब हम इसे, अब हम कुछ उदाहरण के साथ समझ, जैसे कंठ है जो नीला है जो कंठ,
जो नीला है जो कंठ, तो ये नीलकंठ के लिए का अगर हम इस तरह से विग्रह करते हैं तो ये कर्मधारय समास होता है, लेकिन कंठ है नीला जिसका या नीला है कंठ जिसका, तो ये शिव की विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पे कि शिव जी का कंठ नीला है और वहां पे कंठ की विशेषता नीला बता रहा है, तो यहाँ पे अंतर है। वही हम लंबोदर की देखें तो लंबोदर है मोटे पेट वाला, मोटे पेट वाला क्या हो गया लंबोदर, कर्मधारय समास है, लेकिन लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास जो गणेश की विशेषता बताता है। इस तरह से कुछ और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, महात्मा के लिए महान है जो आत्मा, अगर हम इस तरह से विग्रह करते हैं तो ये कर्मधारय समास है, या फिर महान आत्मा है जिसकी, हम अगर इस तरह से करते हैं तो ये बहुव्रीहि समास है। कमल नयन अगर हम करते हैं तो ये कमल के समान नयन, तो ये कर्मधारय है, और कमल के समान नयन है जिसके, तो ये विष्णु की विशेषता बता रहा है और ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो उम्मीद है आपको बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अब समस्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप थंब बटन को दबा के उसे ब्लू कर दें और हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें। और अब हम देखते हैं द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी कि पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है लेकिन वो संख्यावाचक विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि में हमने अभी देखा कि वो समस्त पद की विशेषता के बताने का वो कार्य का, समस्त पद ही एक तीसरे पद की विशेषता बताने के काम करता है, जिसे हम फिर से एक कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज क्या है, चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह, तो ये द्विगु समास है। द्विगु समास में पहला पद संख्यात्मक होता है, तो भुजा, भुजा कितने हैं चार, तो ये विशेषता बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण है चार। वहीं अगर हम इसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इसे हम तोड़ते हैं, इसका हम विग्रह करते हैं, तो चार हैं भुजाएं जिसकी, ये विष्णु भगवान की विशेषता बता रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वहीं अगर हम पंचवटी का हम विग्रह करें, समास विग्रह, तो पंचवटों का समाहार, पांच वट, वट की विशेषता है कितनी, पांच है वो, तो उसका जो समाहार होता है वो पंचवटी कहलाता है। वहीं अगर हम पंचवटी को वन पांच वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, अर्थात दंड कारण्य में वह में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था, तो वो स्थान कहलाती है, पंचवटों से घिरा एक निश्चित स्थल, तो ये कहलाएगा बहुव्रीहि समास। ये उस स्थान की विशेषता बता जाए जो पंचवटों से, पांच वटों से घिरा हुआ है, पांच बागों से घिरा हुआ है, और पंचवटी का अर्थ यहाँ पे पांच वटों का समाहार। तो उसी प्रकार से त्रिलोचन दशानन में भी हम अंतर देख सकते हैं, अगर हम उसे तीन लोचनों का समूह कहें तो वो द्विगु हो जाएगा, और अगर हम उसे तीन लोचन के, तीन लोचन है जिसके, तो वो बहुव्रीहि हो जाएगा। वहीं 10 आननों का समूह कहें हम तो वो द्विगु हो जाएगा, और अगर 10 आनन है जिसके तो वो बहुव्रीहि हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर। दोस्तों अगर आपको डिफरेंस समझ में आता जा रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते चलें, और साथ ही साथ अगर आपको आपने लाइक कर दिया है तो नीचे आप स्माइली फेस भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर यस 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 लिख के भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, ताकि हम समझें कि हमारा वीडियो सफल हो रहा है और आप समझ रहे हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, जितना कम से कम व्यू है उसके आधे लाइक्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद आपको अलग अलग समास में डिफरेंस करने में आपको समस्या नहीं होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान देने लायक चीज़ है। चलो देखते हैं हम आगे द्विगु और कर्मधारय समास में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विगु का पहला पद, जैसा कि हमने ऊपर ही देखा था कि क्या होता है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती या विशेषता बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता, एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, जैसे नवरत्न, नवरत्न क्या है, नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह, तो ये द्विगु समास है। वहीं चार वर्णों का समूह, चतुर्वर्ण, ये भी द्विगु समास है। और यहाँ पे पुरुषों में जो है उत्तम, ये कर्मधारय है, पुरुषों में जो है उत्तम, तो यहाँ पे कर्मधारय है, रक्त है जो उत्पल, ये रक्तोपल, ये भी कर्मधारय समास का अंतर है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि संख्यावाचक विशेषण द्विगु समास में आता है, जबकि इसमें पहला पद कभी विशेषण नहीं होता है। विशेषण तो संख्यावाचक नहीं होता है, कर्मधारय में कभी भी विशेषण तो होता है पहला पद, लेकिन वो संख्यावाचक नहीं होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपने सभी तरह की जो भी डिफरेंस डिफरेंस अंतर होते हैं, इसमें कोई खास अंतर आपको नहीं देखने मिलेगा द्विगु और कर्मधारय में, क्योंकि द्विगु को हम बहुत बार जो पहला शब्द है उसका, अगर वो संख्यावाचक है, वो पहला पद जो है, तो हम उसे द्विगु में ही कन्फर्म करते हैं। लेकिन ये वीडियो देख के आप अच्छे से समझ लें कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। अब हम देखते हैं अलग अलग समास, सातों समास, उसके अलावा जो अलग अलग हमने भेद पढ़े थे उन सब से रिलेटेड जो वर्ड्स आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वर्ड्स हैं, वो हम देखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं समासिक पदों की सूची। तो तत्पुरुष समास में सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष से रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सभी के सभी वर्ड्स हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या है, गगनचुंबी, पॉकेटमार, चिरीमार, गृहागत। यहाँ पे आपको इसका विग्रह ऑलरेडी करा हुआ है, तो जो आप देखते चलेंगे, कठखोदवा, कठखोदवा, गिरह, गिरहकट, मुंहतोड़, स्वर्ग प्राप्त, अनुभवजन्य, अनुभवजन्य, आप बीती, आप बीती, यहाँ पे आप पर्वतीय सप्तमी तत्पुरुष है। जहाँ पे कुछ अलग है वहाँ पे हमने लिख दिया है। उद्योगपति, उद्योग का मालिक, गुणहीन, घुड़दौड़, जन्मांध, देशाटन, दानवीर, देशवासी, अमृतधारा। जितने भी वर्ड्स हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, भले ही संख्या आपको ज़्यादा मिले लेकिन सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC GD हो, राजस्थान पटवारी हो, या फिर जो भी हो, ये वीडियो आपको बहुत 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 मदद करेगा किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में, किसी भी जो, चाहे आपका नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा हो, ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम हो रहा हो, आपको हर जगह ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा। अछूतो द्वार, आत्मविश्वास, ऋषि कन्या, कष्ट कष्ट साध्य, हर घड़ी, गुरु दक्षिणा, गृह प्रवेश, गोबर गणेश, दही बड़ा, अकाल पीड़ित, गौशाला, गंगाजल, घुड़सवार, जीवन साथी, जलधारा, देशभक्ति, पूंजीपति, भयभीत, हस्तलिखित, पथभ्रष्ट, देशभक्त, चरित्र, चित्रण, दानवीर, युधिष्ठिर, पर्णशाला, पुरुषोत्तम, नराधम, नेत्रहीन, राह खर्च, शरणागत, विद्यासागर, आकाशवाणी, आनंदाश्रम, आकाशवाणी, कर्महीन, कर्मनिरत, कविश्रेष्ठ, कुंभकार। दोस्तों ये वर्ड्स को आप जरूर जरूर याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड हैं। आगे देखते हैं हम, काव्यकार, कृषि प्रधान, क्षत्रिय धाम, कृष्णा पर्ण, कृष्णार्पण, ग्रामोद्धार, गिरहट। साथ में इसका आपको जो विग्रह है वो भी करा हुआ है, तो आप उसे भी साथ में देखते चलें। तो दोस्तों ये जब समास खत्म हो जाएगा, तो आप, अगर आपको चाहिए तो समास के अलग अलग नामों पर हम आपके लिए MCQ भी लेकर आएंगे, तो ताकि आप उसमें टेस्ट लगा सकें, आप टेस्ट कर सकें कि आपने इस वीडियो का कितना फ़ायदा उठाया है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए जो, यानी कि जो हम MCQ बेस्ड वीडियो लाएँ वो आपको समझ में आए, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि समास इन MCQ, समास इन MCQ से आप कमेंट करें, हम समझ जाएंगे कि आपको वो वीडियो चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो उस पर हम MCQ बेस्ड आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आप इस, ये जो वीडियो चल रही है अभी, जो हम अभी स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। PDF आप डाउनलोड कर लें। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे साइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको फेसबुक पे भी आप हमारे पेज पे विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन, हम आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा देंगे, या फिर आप हमारे साइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यही है, PDF आपको कल सुबह तक मिलेगा, PDF आपको आज नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवन मुक्त, ठाकुर, सुहाती, तिलचट्टा, दया सागर, इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है। आप PDF डाउनलोड करके उसे देख लेंगे, या फिर आप यहाँ पर भी उसे डाउनलोड, अगर आप PDF नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप अगर साथ साथ लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये बहुत सारे इसमें तत्पुरुष समास से रिलेटेड बहुत सारे हैं। अब हम कर्ण तत्पुरुष देखते हैं। कर्ण तत्पुरुष यहाँ पे क्या है, प्रेमा सिक्त, प्रेम से सिक्त। कर्ण तत्पुरुष में हमने बताया था कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो से वर्ड यहाँ पे आता है, तो प्रेमा सिक्त,
जल सिक्त, रस भरा, मद माता। यहाँ पे सभी में से वर्ड से आपको जो विग्रह होता है तो वो से वर्ड से अलग होता हुआ आपको दिखेगा। मेघा छत्र, रोग पीड़ित, रोगग्रस्त, मुंह मांगा, दुःखार्त, मदांध, देह चोर, पदचलित, तुलसीकृत, दुख संतप्त, शोकाकुल, करुणापूर्ण, अकाल पीड़ित, शोकग्रस्त, शोकार्त, श्रमजीवी, कामचोर, मुंहचोर। ये सब क्या है? कर्म तत्पुरुष के उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या है? यहाँ पे इसमें के लिए का वर्ड प्रयोग में आता है। तो सिवारपन, रसोई घर, सभा भवन, लोक हितकारी, मार्ग व्यय, स्नान घर, माल गोदाम, डाक, महसूल, साधु दक्षिणा, देशभक्ति, पुत्र शोक, ब्राह्मण देय, राह खर्च, गौशाला, देवालय, विधानसभा, परीक्षा भवन, रसोई घर। तो ये सभी क्या है? सभी के सभी आपको हो गए संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी आपको संप्रदान तत्पुरुष के लिए वर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष के लिए वर्ड। अपादान, तो ये इसमें भी से और वो अलग होने का भाव आता है, ये आपको पता होगा। तो बलहीन, बल से हीन, धनहीन, धन से हीन यानी कि धन से अलग, पथ भ्रष्ट यानी कि पद से भ्रष्ट, स्थान भ्रष्ट यानी कि स्थान से भ्रष्ट, माया रिक्त यानी कि माया से रिक्त, माया से अलग, पाप मुक्त यानी कि पाप से अलग, पाप से मुक्त, ऋण मुक्त, ईश्वर विमुख, स्थानच्युत, लोकोत्तर, नेत्रहीन, शक्तिहीन, पथ भ्रष्ट, जल रिक्त, प्रेम रिक्त, व्यय मुक्त, धर्म विमुख, पदच्युत, धर्मच्युत, मरणोत्तर, देश निकाला और जन्मांध। ये सब जो वर्ड्स हैं ये है। इसके बाद हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध यानी कि संबंध में आपने क्या है, का, की, के, इन सब का यूज आता है। तो अत्रदान यानी कि अत्र का दान, श्रमदान यानी कि श्रम का दान, वीर कन्या यानी कि वीर की कन्या, त्रिपुरारी यानी कि त्रिपुर का अरी, राजभवन यानी कि राजा का भवन, प्रेमोशाक, प्रेमोपासक, प्रेम का उपासक, आनंद आश्रम यानी कि आनंद का आश्रम। इसी प्रकार से देवालय, रामायण, खरारी, गंगाजल, रामोपासक, चंद्रोदय, देश सेवा, चरित्र चित्रण, राजगृह, अमरस, राज दरबार। उसी प्रकार से सभापति, विद्यासागर, गुरु सेवा, सेनानायक, ग्रामोद्धार, मृग छौना, राजपुत्र, पुस्तकालय, राष्ट्रपति, हिमालय, घुड़दौड़, सेनानायक, यथाशक्ति, राजपुरुष और राजमंत्री। इसके बाद हम अधिकरण तत्पुरुष को देखते हैं। तो अधिकरण में क्या है? में शब्द और पर शब्द आता है। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ये क्या है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष सिंह यानी कि पुरुषों में सिंह, ग्रामवास यानी कि ग्राम में वास, शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर कि स्वयं पर निर्भर होने वाला आत्मनिर्भर, क्षत्रिय धाम, उसी प्रकार से शरणागत, हरफन मौला, मुनि श्रेष्ठ, नरोत्तम, ध्यान मग्न, कवि श्रेष्ठ, दानवीर, गृह प्रवेश, नराधम, सर्वोत्तम, रणसूर, आनंद मग्न और आप बीती यानी कि आप पर बीती। ये सभी के सभी किसके हैं? तो ये सभी के सभी अधिकरण, अधिकरण में पर, अधिकरण के लिए में जो वर्ड आता है वो जो हम यूज करते हैं वो में और पर यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं में और पर से इन सबको अलग किया गया है। इसके बाद हम कर्मधारय, दूसरा हमारा समास का भेद है, कर्मधारय समास हम इसे देखते हैं। इसमें जो वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नवयुवक, विग्रह करने पर नव और युवक में ये विग्रह होता है, नया युवक। इस तरह से छुट भैये, छोटे भैया, का पुरुष, कुत्सित पुरुष, कदत्र, कुत्सित अत्र, नीलोत्पल, नील उत्पल, महापुरुष, महान पुरुष, सन्मार्ग, सतमार्ग, पीताम्बर, पीत अंबर, दो वर्ड जो इसके पद हम यहाँ पे विग्रह कर रहे हैं सिर्फ पदों का, क्यों है यहाँ पे? परमेश्वर, परम ईश्वर, सज्जन, सतजन, महाकाव्य, इसी प्रकार से महाकाव्य, वीर वाला, महात्मा, महावीर, अंधविश्वास, अंधकूप, घनश्याम, नीलकंठ, अधपका, काली मिर्च, दुरात्मा, नीलांबर, अकाल मृत्यु, नीलगाय, नीलगगन, परमानंद, महाराजा, महादेव, शुभागमन, महाजन, नरसिंह, चंद्रमुख, क्रोधाग्नि, श्वेतांबर, लाल टोपी, सधर्म, महाविद्यालय, विद्याधन, करकमल और मृगनयन, खटमिठा, नरोत्तम, प्राणप्रिय, घनश्याम, कमल नयन, परमानंद, चंद्रमुख, चंद्रवदन, घृतार्थ, महाकाव्य, धर्मशाला,
कुसुम कोमल, कपोता ग्रीवा, गगनांगन, चरण कमल, तिल पापड़ी, दही बड़ा, पकौड़ी। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे हमने लिए हुए हैं दोस्तों। अगर इतने वर्ड्स आपको पहले कभी नहीं मिले होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, किसी भी वीडियो में, यूट्यूब पे या फिर बुक्स में भी इतने सारे वर्ड्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। बहुत कम ही बुक्स हैं। आप अच्छे बुक्स लेंगे, अच्छे राइटर्स के बुक लेंगे जो बेसिक से पढ़ाते हैं, तो उन बुक्स में आपको इतने वर्ड्स मिलते हैं। तो अगर इसी प्रकार से ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इतने वर्ड्स आपको पसंद आ रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम में, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो तो अगर समाज से क्वेश्चन आएगा तो वो अब नहीं छूटने वाला, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट आपको लगे, जितने भी दोस्त आपको लगे, उन सब के साथ ये वीडियो को शेयर कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन सब के लिए होने वाला है। चलिए आगे हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। तो इसमें जो वर्ड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिना दिन, दिना दुन, दिनानुदिन, दिनानुदिन यानी दिन के बाद दिन, प्रत्यंग भर पेट, यथाशक्ति निर्भय, हमने आपको पहले ही बताया था कि यथा या फिर अनु, इस प्रकार से वर्ड्स आगे आते हैं और वही अव्ययी भाव समास के फॉर्म्स बताते हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये वर्ड्स क्यों अव्ययी भाव समास हैं, तो आप हमारा पिछला वीडियो एक बार जरूर देख लें, समास और उसके भेद के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर हिंदी ग्रामर के नाम से हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे। आप उसमें हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे, संज्ञा सर्वनाम या फिर जो भी, वो सब के सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और ये समास भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं आगे, भरपेट, निर्भय, उपकूल, प्रत्यक्ष, निधड़क, बखूबी, यथार्थ, प्रत्येक, मनमाना, यथाशीघ्र, बेकाम, बेलाग, अपाद मस्तक, प्रत्युपकार, परोक्ष, बेफायदा, बेरहम, प्रतिदिन, आमरण, अनुरूप, यथाक्रम, बेखटके, यथासंभव, आजन्म और एकाएक, दिनों दिन, यथोचित, रातों रात, आजीवन, गली गली, भरपूर, यथानियम, प्रतिवर्ष, बीचों बीच, आजकल, यथाविधि, यथास्थान, यथासंभव, व्यर्थ, रात भर, अनुकूल, अनुरूप, आसमुद्र, पल पल, बार बार। तो ये सब हो गए आपको अव्ययी भाव समास। अब हम देखते हैं द्विगु समास, जिसे हम कर्मधारय समास के नाम से भी जानते हैं। क्या है द्विगु समास? तो इसमें है त्रिभुवन, त्रिकाल, चवत्री, नवग्रह, त्रिगुण, पसेरी, अष्टाध्यायी, त्रिपाद, पंचवटी, त्रिलोक, त्रिलोकी, दुवत्री, चौराहा, त्रिफला, नवरत्न, सत्सई, पंचपात्र, चतुर्भुज, चारपाई, तिरंगा, अष्टसिद्धि, चतुर्मुख, त्रिवेणी, नवनिधि, चवन्नी, दोपहर, पंचतंत्र, सप्ताह, त्रिनेत्र, दुराहा या चतुर्वेद, ये सब क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास के भेद हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसमें द्विगु समास में जो हमने अलग अलग आपको बताया था कि उसके भी भेद बताए थे, तो ये सब यहाँ पे समाहार द्विगु के फॉर्म है। तो आप इसे द्विगु समास में ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमने आपको समाहार द्विगु का परिभाषा नहीं बताया था। आगे हम देखते हैं उत्तर पद प्रधान, जिसमें उत्तर पद प्रधान है, तो ये भी द्विगु का ही एक फॉर्म है। दोपहर, शतांश, पंचहत्थड़, पंच प्रमाण, दुसूती और दुधारी, ये सब द्विगु के ही अलग फॉर्म है। अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास, इसमें बहुव्रीहि समानाधिकरण बहुव्रीहि का ये फॉर्म है। प्राप्तोदक, दत्त भोजन, पीताम्बर, जितेंद्रिय, निर्धन, मिठ बोला, चौलरी, चतुर्भुज, दिगंबर, सहस्त्रकर, वज्रदेह, लंबोदर, दसमुख, गोपाल, सत्सई, पंचपात्र, चतुर्वेद, त्रिलोचन, कमलनयन, गिरिधर, गजानन, घनश्याम, चक्रधर, चतुर्मुख, नीलकंठ, पंचानन, बारह सिंघा, महेश, लाठा लाठी, सर सिज, या फिर कपीस, खगेश, गोपाल, चक्रपाणि, चतुरानन, जलज, जल्द, नीलांबर, मुरलीधर, वज्रायुध, ये सब क्या है? ये सब के सब किसके भेद हैं? तो ये बहुव्रीहि समास के ही भेद हैं। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के भी अलग अलग भेद हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं, लेकिन आपको ये सिर्फ द्वंद्व समास में ही लेकर के चलना है। तो द्वंद्व समास में क्या है? धर्माधर्म, भला बुरा, गौरी शंकर, सीताराम, लेन देन, देवासुर, शिव पार्वती, दाल भात, देश विदेश, भाई बहन, हरि शंकर, धनुर्बाण, धनुर्बाण,
अन्न जल आटा दाल, ऊंच नीच गंगा यमुना, दूध दही जीवन मरण, पति पत्नी बच्चे बूढ़े, माता पिता राजा प्रजा, राजा रानी, दुख सुख अपना पराये, बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स हमने इंक्लूड करे हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको समाहार द्वंद, ये भी द्वंद का ही जो वर्ड है उसमें आता है। तो ये क्या है, रुपया पैसा, घर आंगन, घर द्वार, नहाया धोया, और उसके बाद एक वैकल्पिक द्वंद, इसके तीन पार्ट थे, तो वो यहाँ पे वैकल्प के और पे आता है, विकल्प के तौर पे रहते हैं, पाप पुण्य, या तो पाप होगा या पुण्य होगा, दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार से भला बुरा, लाभ अलाभ, धर्म अधर्म, थोड़ा बहुत, ठंडा गर्म, और आखिरी जो हमारा वर्ड था नत्र समास, नन समास, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है, अनाचार, नास्तिक, अनदेखा, अनुचित, अन्याय, अज्ञान, अनभिज्ञ, अद्वितीय, नालायक, अगोचर, अचल, अजन्मा, अधर्म, अनंत, अनेक, अनपढ़, अपवित्र और अलौकिक। दोस्तों ये हो गए समास और उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे हमने इंक्लूड करे हैं, बहुत सारे शब्द। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कर दें, जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम उतना नहीं तो उसका आधा तो लाइक होना ही चाहिए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप जरूर जरूर लाइक कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप ये ज़रूरी है, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी के सभी लोग उठा सके, और लाइक करके आप हमें मोटिवेट भी करते रहें, हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी तरह से हमारे वीडियोस को पूरा देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एग्जाम में बहुत आपको फायदा होगा। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।